बोटक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान है और इसकी फिटिंग भी बहुत ही बढ़िया आती है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोटक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और साथ में उसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं कम्प्लीटली बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे यूट्यूब चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। बोटक्स बेल्ट ब्लाउज में हमें कटिंग करते समय डॉट का निशान किस प्रकार से लगाना है, चारों डॉट की दूरी कितनी होनी चाहिए, चारों डॉट का जो मार्जिन है वो कितने इंच का लेना चाहिए, साथ में हमें ऊपर से बेल्ट कितने इंच में निशान लगाना चाहिए। बोटक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान है और इसकी फिटिंग भी बहुत ही बढ़िया आती है। आज मैं अपने इस वीडियो में बोटक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और साथ में उसकी स्टिचिंग कैसे करना है कम्प्लीटली अपने इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे यूट्यूब चैनल रानी टेलर एंड जनरल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बोटक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करते समय हमें डॉट ऊपर से कितने इंच में लगाना रहता है, हर डॉट का जो मार्जिन होता है वो कितना लेना रहता है और चारों डॉट की जो दूरी है वो किस प्रकार से लेना रहता है इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में आपको स्टिचिंग करते समय यानी कि सिलाई करते समय हमें डॉट को किस प्रकार से लगाना है जिससे कि ब्लाउज का जो शेप है यानी कि पफ उसका सही तरीके से बने इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए अब लेट न करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। किसी भी साइज की ब्लाउज कटिंग करने के लिए हमें मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। आप लोगों को बताऊंगा, ये मेजरमेंट बॉडी नाप नहीं है, ये सिले हुए कपड़े से लिया हुआ नाप है। मैंने बॉडी मेजरमेंट कैसे करते हैं और सिले हुए ब्लाउज से नाप कैसे लेते हैं दोनों का वीडियो मैंने बनाया है जो मेरे चैनल में अपलोड है। आप चाहे तो मेरे चैनल में जाके वह वीडियो देख सकते हैं। ये क्योंकि बॉडी नाप नहीं है, कपड़े से लिया हुआ नाप है, इसके लिए हम इसमें कोई भी लूजिंग नहीं लेंगे। जैसा ये है वैसे ही हम इसको स्टिचिंग और कट करेंगे। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर इसका है 10 इंच, सीना है 34 इंच, कमर है 28 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला है 9 इंच, आस्तीन की जो लंबाई है वो 5 इंच है और आस्तीन की गोलाई जिसको हम मोहरी बोलते हैं ये है 5 इंच, यानी कि अगर हम फुल इसको राउंड करेंगे तो ये 10 इंच होगा। आर्म होल, ये आर्म होल आस्तीन का आर्म होल है, ब्लाउज का नहीं। देखिए मैं अभी आप लोगों को अस्तर वाला ब्लाउज की कटिंग करके बता रहा हूँ। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद अस्तर को कपड़े में रख के कटिंग करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है आपको कि अस्तर और कपड़े को कभी भी एक साथ नहीं कटिंग करें। अस्तर को कटिंग करने के बाद हम कपड़े में कटिंग करेंगे तो उसको थोड़ा सा बड़ा कटिंग करेंगे और उसको जब हम स्टिच करेंगे यानी कि उसको चिपकाएंगे एक के ऊपर एक, तब उस समय हम अस्तर के अकॉर्डिंग कपड़े को कटिंग कर लेंगे। अब आते हैं, पहले तो देखिए ये जो कपड़ा है हमारा 70 सेंटीमीटर है। मैं अभी बोटक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करके बता रहा हूँ। 34 इंच का मैंने कटोरी ब्लाउज कटिंग का वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वह नहीं दिया देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं। ये हमारा कपड़ा 70 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है यानी कि इसका पन्ना बड़ा है। मैं अभी इसमें बैक पार्टी कटिंग करूँगा, उसके बाद सारा मार्जिन ऐड करके सामने पार्टी कटिंग करूँगा। फोल्डिंग वाला हिस्सा मैंने अपनी ओर रखा हुआ है और पहले तो मैं यहाँ पर सीधी लकड़ी खींच लूँगा क्योंकि कपड़ा जो है हमारा कभी भी सीधा नहीं होता। मैं इसको यहाँ पर से पहले सीधा कर लेता हूँ। ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच है तो मैं इसमें 1 इंच प्लस करके यानी कि 15 इंच में कटिंग कर रहा हूँ। 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिंग है ये 15 इंच में और इस साइड भी हम 15 इंच में इसको ड्रा कर लेंगे। स्केल से हम सीधा खींच लेंगे। सीधे खींचने के लिए आप हमेशा स्केल का उपयोग करें क्योंकि जिस तरीके से हम कटिंग करेंगे उसी तरीके से हम फिनिशिंग से उसको स्टिच भी करेंगे। इसका शोल्डर ले लेते हैं। शोल्डर 10 इंच है तो 10 इंच का हाफ हो जाएगा 5 इंच। इधर भी मैं 5 इंच में निशान लगा लूँगा और इसको हम सीधा यहाँ पर से खींच लेंगे। ये जो लकीर मैं खींच रहा हूँ ये आर्म होल के लिए है। बैक गला का जो डिफरेंस है गले का वो मैं लूँगा 2.5 इंच। देखिए मैं बताना चाहूँगा, गले का जो फैलाव है उसका कंधा गिरने से कोई भी लेन देन नहीं है। मैं अभी आपको स्टिचिंग करते समय सभी चीज़ों को बारीकी से बताऊंगा तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। पीछे गला 9 इंच है तो मैं इसमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके इसको गोल ले रहा हूँ गला को। अब इसके आर्म होल में आते हैं। 34 इंच सीना है तो मैं इसका आर्म होल ले रहा हूँ 5.5 इंच। यहाँ पर भी आप 5.5 इंच में ड्रा कर लीजिए। अब इसे सीधा हम स्केल से खींच लेंगे। इसी लकीर में हमारा सीना आएगा अपर चेस्ट। तो 34 इंच सीना है तो 34 इंच का 1/4 हो जाएगा 8.5 इंच। 1.5 इंच मैं इसमें मार्जिन ले रहा हूँ। ये मार्जिन ढीला टाइट करने के काम आता है यानी कि फ्यूचर में अगर ब्लाउज टाइट होता है तो ये जगह जो है ये ढीला करने के काम आता है।
अब आते हैं कमर में, तो कमर इसका है 28 इंच, तो 28 इंच का एक चौथाई होगा 7 इंच, 1 इंच बैक में डाट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर लिया है मार्जिन। देखिए सीना और कमर में हमको मार्जिन इक्वल लेनी है, एक बराबर, ये खींच लेंगे और इसको भी यहाँ खींच लिए। अब आते हैं इसके आर्म होल में, तो आर्म होल की सही फिटिंग, क्योंकि छोटे साइज के ब्लाउज में साइड में हमारे रिंकल्स आते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसकी गहराई थोड़ा अच्छे से कटिंग करूँगा, 1/2 इंच अंदर की ओर मैंने मार्क कर लिया है, 1 इंच यहाँ पर निशान लगा लूँगा, उसके बाद इसको मेजरमेंट करूँगा ये कितना है, तो ये यहाँ तक आ रहा है 2.5 इंच, इस लकीर तक अपने को नापना है और 2.5 इंच में मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगा। अंदर हुई लकीर में आप निशान लगा लीजिए, इसी सर्कल में हमको इसका गहराई बैठालना है सामने पार्ट का, और ये जो मैं निशान लगाया हूँ यही हमारा फ्रंट क्रॉस होता है। आमतौर पर पूछते हैं फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस किसको बोलते हैं, तो यही हमारा फ्रंट क्रॉस है, ध्यान रखेंगे। अब मैं यहाँ पर से इसको ऐसा मार्क कर रहा हूँ राउंड शेप हल्का सा, और अंदर वाली लकीर में ला के मिला रहा हूँ, यहाँ पर मैंने मिला लिया है। देखिए मैंने अंदर वाली लकीर में इसको मिलाया है, ये सामने पार्ट की हमारी गहराई है, और यहाँ पर से यहाँ पर ला के इसको मिलाया हूँ। अब बैक पार्ट के लिए हमको यहाँ पर से ऐसा सर्कल बनाते हुए इसको सामने सीधी लकीर में मिलाना है हमको, ये यहीं पर, ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर मिला दिया है, ये सामने पार्टी गहराई और ये बैक पार्टी गहराई। अब कुछ लोगों का पूछना ये होता है कि हम बैक पार्टी कटिंग कर रहे हैं तो सामने पार्टी गहराई क्यों निशान लगाते हैं, तो जब तक हम सामने पार्टी गहराई का निशान नहीं लगाएंगे बैक पार्टी की गहराई का निशान हम सही तरीके से लगा नहीं सकते। और अब इसमें मैं पीछे के लिए डार्ट का भी निशान लगा देता हूँ। देखिए ये है कितना इंच है, 1.5 इंच मार्जिन को छोड़ के 8 इंच, तो उसका हाफ हो जाएगा 4 इंच, और यहाँ पर नीचे से हमको 4.5 में निशान लगाना है, और इसको सेंटर मान के 4 इंच को 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड, तो ये हमारा डार्ट का निशान लग गया है। अब यहीं पर हमको यहाँ पर ऐसा मिला लेना है, जो भी हमारा ये आएगा नाप उसका सेंटर हमारा डॉट पड़ेगा, और नीचे से हमको 4.5 इंच में डॉट का निशान लगाना है। अब ये तो हमारा बैक पार्ट बिल्कुल ड्रा हो चुका है, तो चलिए अब मैं इसको कट कर लेता हूँ। ये हमारा बैक पार्ट कट गया है, अब इसको हटा लेते हैं। अब इस कपड़े को हमको ऐसा पलट लेना है, और जो दोनों पार्ट जो ओपन वाला हिस्सा है, ये देखिए ओपन वाला हिस्सा को अपने तरफ रख लिया हूँ मैंने, बैक पार्ट को अब यहाँ पर जमा लीजिए। ध्यान रखना है हमको कि इस साइड करीब करीब हमारा 1/2 इंच छोटा हुआ नहीं चाहिए, क्योंकि ये 1/2 इंच हमको यहाँ पर सिलाई मार्जिन लेनी है, किस चीज़ के लिए, हुक और आई के लिए। अब देखिए जैसा ये बैक पार्ट है हमको एज इट इज इसको हम इसमें ड्रा कर लेंगे, नहीं कॉपी कर लेंगे। इसको हटा लेते हैं, सबसे पहले मैं इसमें सामने पार्ट की गहराई ले लेता हूं, 1.5 इंच यहां पर जो मार्जिन था उसको ले लेता हूं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। गले का फैलाव मैंने बैक में 2.5 लिया था, तो ये सामने भी 2.5 इंच लूंगा, इसे भी हम सीधा खींच लेंगे यहां पर से। गला हमारा 6 इंच था, तो मैं 6.5 में ड्रा कर लेता हूं। अब इसमें मैं हुक आई की मार्जिन ले लेता हूं, ये मैं करीब 1/4 इंच ले रहा हूं, क्योंकि 1/4 इंच ही करीब दबता है यहाँ पर। आप अपने हिसाब से इसमें मार्जिन ले सकते हैं जितनी आप स्टिचिंग में दबाएंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका बस्ट पॉइंट लेना है, तो 34 इंच सीना है, जो भी हमारा सीना रहता है उसको हमको 4 से भाग देना रहता है, तो 34 इंच को हम 4 से भाग देंगे, तो ये होगा 8.5 इंच, 8.5 इंच में 1 इंच हमको प्लस करना है, 9.5 इंच, और 1/2 इंच हम इसको ऊपर से सिलाई मार्जिन लेंगे, ये 1/2 इंच, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 10 इंच। 10 इंच में आप निशान लगा लीजिए और इसे यहाँ पर सीधा खींच लीजिए, यही हमारा मेन बस्ट होगा, ध्यान रखेंगे ये बस्ट के लिए निशान लगा है। अब उसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर से हमको 2.5 इंच में बेल्ट के लिए निशान लगाना है, ध्यान रखेंगे ये डॉट वाला ब्लाउज है, टक्स वाला ब्लाउज है, इसकी वजह से मैं इसमें 2.5 इंच ले रहा हूँ नीचे। अगर ये कटोरी वाला ब्लाउज होता दोस्तों तो हम इसको 2 इंच लेते हैं, लेकिन ये डॉट वाला ब्लाउज है टक्स वाला, तो मैं यहाँ से इसको 2.5 इंच लिया हूँ, ठीक है। अब आते हैं इसके बस्ट की दूरी, दोनों बस्ट की दूरी, तो जो भी सीना होता है उसका 10वां हिस्सा दोनों बस्ट की दूरी होती है, तो वो हो जाएगा हमारा 34 इंच का
दसवां हिस्सा हम लेंगे तो 3.4 यानी कि आप मान लीजिए 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच, ये 3.5 इंच एकाध सूत का फर्क चलता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो ये हमारा मेन यहां पर ये बस्ट का निशान हमने लगा दिया है। ऊपर से हमने लिया है 10 इंच और इसकी जो दूरी है ये है 3.5 इंच हुक आई की मार्जिन को छोड़ के। अब हम यहां पर भी नीचे की ओर 3.5 इंच निशान लगा लेंगे, ये हो गया। अब हमें इसमें पफ के लिए डॉट लेना है, तो ये डॉट जो होगा हमारा वो 1.5 इंच का होगा। तो जो 3.5 इंच में हमने निशान लगाया है उसको सेंटर लेके 1/4 इंच इस साइड और 1/4 इंच इस साइड, ये देखिए ये हमारा मेन डॉट का निशान पड़ गया है। अब इसे भी मैं यहाँ पर लाके मिला देता हूँ जिससे कि आपको समझने में कोई भी परेशानी या दिक्कत ना हो। ये हमारा मेन डॉट का निशान पड़ गया है। इसके बाद हमको 3 डॉट और लगाना है क्योंकि 4 टक्स ब्लाउज है। अब देखिए इन 4 डॉट की दूरी आपस में कितनी रहेगी, तो जो भी हमने यहाँ निशान लगाया है देखिए 3.5 इंच तो 3.5 इंच का हाफ ले लेना है हमको, तो ये करीब होगा हमारा 1/2 इंच। 1/2 इंच में इसके लकीर के ऊपर ध्यान रखेंगे, इस लकीर के 1/2 इंच ऊपर हमको लेना है और ये जो डॉट पड़ेगा हमारा ये 1/2 इंच का डॉट पड़ेगा। ध्यान रखेंगे ये डॉट हमारा 1/2 इंच का है, मेन डॉट को छोड़ के जो 3 डॉट पड़ेगा वो हमारा 1/2 इंच का रहेगा। तो ये जो डिफरेंस है ये 1/2 इंच है, तो इस साइड भी हमको 1/2 इंच इस लकीर के 1/2 इंच ऊपर, ये यहाँ पर और इस लकीर में जहाँ बेल्ट ने निशान लगाया है उससे 1 इंच में निशान लगा के इसको आप यहाँ पर ऐसा खींच लीजिए। ये हमारा सेकेंड डॉट हो गया है। अब थर्ड डॉट, उसको भी हमको 1/2 इंच में लेना है क्योंकि 4 डॉट की जो दूरी है वो 1/2 इंच रहेगा क्योंकि ये 3.5 इंच है, तो 3.5 इंच का हाफ यानी कि जो भी बस्ट की दूरी रहती है उसका हाफ 4 डॉट का हमारा डिफरेंस रहता है। अब इसको इस साइड यहाँ पर ये भी हमारा 1/2 इंच का ही डॉट रहेगा। ध्यान रखेंगे जितने भी डॉट हैं इस डॉट को छोड़ के 3 डॉट ये हमारा 1/2 इंच करेगा, ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये हमारा कंप्लीटली अब ड्रा हो गया है, लेकिन अब ये डॉट का जो मार्जिन हमको कैसे ऐड करना है, तो कुछ नहीं ये 1.5 इंच को हमको यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ा लेना है। ध्यान रखेंगे ये 1.5 इंच ऐसे, अब इसको मेजरमेंट कर लीजिए कितना है, यहाँ तक 11.5 इंच, तो इस साइड भी हमको 11.5 इंच में यहाँ पर निशान लगा के इसको मिला लेना है। ये तो ये हमारा जो डॉट का डिफरेंस है वो यहां मैंने एडिट कर लिया है, तो ये मार्जिन डॉट की मार्जिन ये वाली है। अब हमको कुछ भी इसमें बढ़ाना नहीं है, बढ़ाना है तो सिर्फ बेल्ट में, तो बेल्ट में भी हम 1 इंच का इसमें मार्जिन ले लेंगे क्योंकि 1 इंच हमारी बेल्ट का सिलाई मार्जिन है। ध्यान रखेंगे इसको, अब इसको खींच लीजिए ऐसे और इस साइड हमको 1 इंच में निशान लगा के इसको हल्का सा राउंड शेप लाके यहाँ पर मिला लेंगे। तो देखिए ये अब हमारा सभी चीज़ों का इसमें मार्जिन ऐड हो गया है हमारा सामने पार्ट का। अब मैं इसको ये वाले पार्ट को और बेल्ट वाले पार्ट को कट करके अलग कर लेता हूँ। देखिए मैंने 1/2 इंच थोड़ा इस साइड बड़ा कटिंग किया है और गहराई को मैंने अभी कट नहीं किया है। गहराई को कट करने का एक तरीका है, आप डॉट को ऐसे पहले क्रिएट कर लीजिए उसके बाद आप इसकी गहराई को कट करिए। अगर आप पहले से कट कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा कोना बनेगा, तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमको पहले से डॉट लगा लेना है ऐसा, उसके बाद हमको कट करना है जिससे कि इसकी गहराई यहाँ पर बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से आ सके। ये देखिए यहाँ पर अब इसको डॉट लगाने के बाद यहाँ पर कोई भी नोक नहीं बनेगा, बिल्कुल एक राउंड शेप रहेगा। देखिए ये तो हमारा सामने का पार्ट अब ड्रा हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पर मैं निशान लगा लेता हूँ जिससे कि स्टिचिंग करते समय हमें कोई भी परेशानी ना हो, एक बराबर हमारा डॉट पड़े। इसकी वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा कट करके निशान लगा लेता हूँ और इसके बैक साइड में निशान लगा लेता हूँ, यानी कि दोनों पार्ट में अब मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ जिससे कि
हमको सिलते समय कोई भी परेशानी ना हो, बिल्कुल आसान तरीके से ये डॉट हमारा लग जाए। मैं इसमें बैक में निशान लगा रहा हूँ, यानी कि दोनों पार्ट में मैं इसका निशान दे देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट में बिल्कुल निशान लगा लिया है हमारे डॉट का, ये इधर का और उधर का। अब आते हैं हम इसके आस्तीन में, आस्तीन को कटिंग करने के लिए मैं पहले इसको चार फोल्ड में इसको फोल्ड कर लूँगा, उसके बाद इसको यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। पहले तो 1/2 इंच मैं इसमें मार्जिन लूंगा क्योंकि ये अस्ता वाला ब्लाउज है। आस्तीन की लंबाई 5 इंच है तो इसको 5.5 में डाल कर रहा हूँ। 3.5 इंच आर्म होल की गहराई इधर भी और इधर भी। अब इसे सीधा खींच लूंगा। आस्तीन की जो गोलाई है वो 5 इंच है, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, 6 इंच आर्म होल। आस्तीन का आर्म होल है दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये 1.5 इंच। अब इसे भी हम सीधा खींच लेंगे, इधर भी 6 इंच, 6 इंच का हाफ हो जाएगा 3 इंच, 3 इंच का हाफ 1/2 इंच, इधर भी 3 इंच और 1/2 इंच। अब इसे हम बॉक्स बना लेंगे। आस्तीन कटिंग करने का ये बहुत ही आसान और परफेक्ट तरीका है। अब इसका भी हम हाफ ले लेंगे 3.5 का, ये होगा 1/2 इंच, इधर भी 1/2 इंच। इसे भी यहाँ पर निशान लगा लेंगे और एक तिरछी लकीर हम यहाँ पर से खींच लेंगे। अब फ्रेंच कर्व से यहाँ से इसमें मिला लेंगे पलट के। पहले तो यहाँ पर 1 इंच में निशान लगा के इसी में ला के मिला देंगे जहाँ पर हमने 1 इंच में निशान लगाया है। ये हो गया सामने पार्टी की गहराई, यहाँ पर से 2 इंच और अब इस लकीर से इस कार्नर से यहाँ पर लाके मिलेंगे जहाँ पर हमने 2 इंच में निशान लगाया है। अब इसको पलट के अब इसको लास्ट में लाके मिलेंगे जहाँ पर हमने आर्म होल का निशान लिया था 6 इंच में। ये तो ये हमारा आस्तीन परफेक्ट तरीके से ड्रा हो गया है। अब इसको भी हम कट कर लेते हैं। आस्तीन का शेप देखिए कितना परफेक्ट आया हुआ है। आपको इसी तरीके से आस्तीन कटिंग करना है। अब हमें कपड़े में कटिंग करना है। पहले तो मैं इसको बैक पार्ट के गले को कट कर लेता हूँ। वो जो मेन फैब्रिक है उसको रख के मैं कट करूंगा, लेकिन हमको ध्यान रखना है इसमें देखिए फूल बना हुआ है, फ्लावर बना हुआ है प्रिंट, तो हमको एक बराबर इसको लेना है, यानी कि इसको सीधे ये हमारा ऊपर की ओर दिख रहा है ऐसा, तो हमको ऊपर वाला भाग ये वाला रखना है, ध्यान रखेंगे चीज को। अब हम इसको कट करेंगे, देखेंगे। पहले ध्यान रखना है इस बात को कि हमको यहाँ कपड़ा जब कटिंग करेंगे रख के तो अस्तर से थोड़ा सा हमको बड़ा कट करना है। ध्यान रखेंगे कि अस्तर से हमको थोड़ा सा इसको बड़ा कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करने के बाद हम उसको एक बराबर कटिंग कर लेंगे। सभी चीज़ हमारा कट गया है। अब हमें क्या करना है, पहले तो आपको ध्यान रखना है चीज़ को, इस डॉट का जो निशान मैंने लगाया है वैसी भी आप पीछे से मिनट लगा लीजिए, जिससे क्या होगा आपको स्टिचिंग करते समय कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसा निशान लगा लेता हूँ जिससे कि हमें परेशानी ना हो। बैक पार्ट का डॉट का भी हम निशान लगा लेंगे यहाँ पर, जिससे कि बैक पार्ट को भी तकलीफ ना हो हमको स्टिच करते समय। चलिए अब मैं आपको बाकी जो चीजें हैं मशीन में बताता हूँ। सबसे पहले तो हम सामने के पार्ट को दोनों को हम इसमें स्टिच कर लेंगे, यानी कि अस्तर और कपड़े को अटैच कर लेंगे। ध्यान रखना है हमको कि ये डॉट वाला जो हिस्सा है हमको ऊपर की साइड रखना है, जिससे कि स्टिचिंग करते समय हमें कोई परेशानी ना हो। देखिए जो कपड़ा हमारा बड़ा हुआ है, अब हम इसको अस्तर के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना है हमको कि ये बिल्कुल एक बराबर से ये चिपका हुआ होना चाहिए। अब मैं इसको जो बड़ा वाला हिस्सा है कपड़े को उसको कट करके बराबर कर लेता हूँ।
इसी प्रकार से कट कर लीजिए। अब मैं ये वाले पार्ट को भी इसको इसमें चिपका लूंगा, अटैच कर लूंगा, और साथ में बेल्ट को भी मैं ऐसी अटैच करके कट कर लूंगा। तो चलिए मैं अब इसको अटैच कर लेता हूं। अब आपको समझना है कि मैं डॉट किस प्रकार से लगा रहा हूं। हम डायरेक्ट यहां पर से कपड़े को ऐसे पकड़ के डॉट लगा लेंगे तो जो कपड़ा है वो यहां पर से पकड़ाएगा नहीं अच्छे से, यानी कि स्टिच नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इस डॉट के चौ डॉट के बीच में पहले एक सेंटर में एक सिलाई लगा लेना है, जिससे कि डॉट में कपड़ा और अस्तर एक बराबर रहे। देखिए मैं किस प्रकार से डॉट लगा रहा हूं। आप यहां सेंटर से इसको यहां पर जहां तक हमारा ये डॉट लगाना है वहां तक इसको अटैच कर लीजिए। उसके बाद देखिए मैंने यहां पर इसको स्टिच कर लिया है, जिससे कि जब हम डॉट लेंगे तो ये वाला पार्ट भी अच्छे से हमारा दबा हुआ रहे। यही गलती हम करते हैं आमतौर पर, डायरेक्ट हम यहां पर पकड़ के डॉट लगाते हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान रखेंगे। अब यहां पर से भी मैं चारों डॉट में दोनों पल्ले में मैं इसी प्रकार से स्टिच कर लेता हूं। मैंने यहाँ पर पहले से डॉट जहाँ लगाने हैं वहाँ स्टिच कर लिया है। अब इसको मैं पकड़ के डॉट मार लेता हूँ, और हमको एकदम ही कोना नहीं निकालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ये देखिए इसका पफ देखिए कितना बेहतरीन आया हुआ है। अब इसको हम अच्छे से पहले प्रेस कर लेंगे नाखून से। अब ये वाले पार्ट में भी हम डॉट लगा लेंगे। देखिए इसका भी पॉप कितना बेहतरीन आया हुआ है। इसको भी हम यहां पर से इसको नाखून से प्रेस कर लेंगे। अब हम इसके योग पट्टी को अटैच कर लेते हैं। अब इसमें अटैच कर लेंगे। इसको आपको हमेशा नाखून से इसको प्रेस करना है। अब देखिए मैं इसमें हुक और आई की पट्टी लगा रहा हूं। देखिए हुक पट्टी के लिए मैंने 1.5 इंच का पहले से अस्तर कटिंग करके रखा है। अब इसको इस साइड से मैं 1/4 इंच इसको मोड़ के इसमें अटैच करूंगा। ध्यान देना है कि किस तरीके से मैं इसको अटैच करूंगा। इसको यहां पर रख के जहां पर हमारा बेल्ट जुड़ा हुआ है वहीं पर हमको एक इसमें चुन्नट देना है, यानी कि एक सलवट देना है, जिससे कि ये हमारा फोल्ड ना हो, बिल्कुल सही तरीके से सीधा इसमें अटैच हो। जहां पर बेल्ट है वहां पर देखिए मैंने एक चुन्नट ऐसा दे दिया है। इसके ऊपर हमको एक सिलाई और लगा लेना है, जिससे कि आसानी से ये फोल्ड हो जाए। अब इसे पलट करके हमको यहां पर इसको सिल लेना है। ये देखिए ये पट्टी बिल्कुल हमारी कैसी आई है, वैसी ही हुक की पट्टी आनी चाहिए। अब आई पट्टी के लिए मैंने अस्तर और कपड़े को पहले से कट करके रखा है। ये हमारा 3 इंच है। पहले मैं इसको अस्तर और कपड़े को अटैच कर लूंगा, उसके बाद मैं उसको पार्ट में ज्वाइन करूंगा। अब इसको मैं इसमें ज्वाइन करूंगा। ध्यान रखें किस टाइप का ज्वाइन करूंगा। देखिए मैं इसको इस साइड से इसको सील के मैं
बाहर की तरफ इसको फोल्ड करूंगा, जिससे कि ये बहुत ही फिनिशिंग से हमारा पट्टी बनेगा। देखेंगे इसको ऐसे, इस साइड से हम देखिए मैंने उल्टे साइड से इसको अटैच किया है और इसको ऐसा पलटी करके अब इसको इसमें ऐसा फोल्ड करके इसको यहां ऐसे अटैच कर रहा हूं। देखेंगे इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है दोस्तों। अब इसको हमको यहां से मेजरमेंट कर लेना है कि ये डॉट, देखिए ये डॉट दोनों पार्ट का और हमारा बेल्ट ये एक बराबर है कि नहीं। जब अगर हम इक्वल इसको स्टिचिंग नहीं करेंगे तो ये एक बराबर नहीं रहेगा, इसलिए सिलते समय हमको ध्यान रखना है कि योग पट्टी का जो मार्जिन हमने एक इंच लिया था तो ये हाफ इंच इसमें हमको एडजस्ट करना है, तो दोनों तरफ हमारा हाफ इंच ही एक बराबर स्टिचिंग होना चाहिए और क्वार्टर क्वार्टर इंच, यानी कि हमने हाफ इंच इसको मार्जिन लिया था तो क्वार्टर इंच ये दबाना है। तो देखिए इस तरीके से आपको फोर डार्ट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना है। देखिए इसका पफ भी बहुत ही बढ़िया आया है 34 इंच सीना के अकॉर्डिंग। इसका आगे इसको स्टिच कैसे करना है मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं गले की पाइपिंग और साइड की फिटिंग और अस्तिन को कैसे जोड़ना है। तो मेरे चैनल में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।